शांति। आज हम मीठे बाबा की 26 अप्रैल 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कर्म योगी जीवन बनाने का। कर्म करते हुए बेहद की उन्नति, आत्मा की उन्नति भी होती रहे। और बाबा कहते हैं जितना इस रूहानी पढ़ाई पर अटेंशन होगा उतना कर्म करते भी स्मृति वृत्ति दृष्टि से याद से कमाई करते रहेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। भाई भाई की दृष्टि माना आत्मिक दृष्टि। जब किसी को देखते हैं तो बुद्धि में बस ये रहे कि ये एक आत्मा है, उनसे संबंध संपर्क में आते, लेन देन करते, ना देह दिखाई दे, ना उनका नाम रूप, ना कुछ और, बस एक आत्मा आत्मा के साथ संबंध संपर्क में है। बाबा कहते ये अभ्यास पक्का करना, ये ऊंची सब्जेक्ट है। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो, है ना। ये दो नेत्र तो देह अभिमान की दृष्टि से बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन ज्ञान के नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखना है। ज़रा भी आँखें धोखा ना दे, ये दो आँखें धोखा ना दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में ज़रा भी विकारी छी छी संकल्प ना चले। नाम रूप दिखता है तो विकारी संकल्प भी चलते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ऊँची मंजिल है कि बस एक आत्मा भाई दिखाई दे, दो आंखें धोखा ना दे, ना नाम रूप दिखाई दे, ना किसी के लिए छी छी विकारी संकल्प चले। ये है मेहनत, है ना। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद का बाप माना रूहानी बाप, बेहद के बच्चे माना आत्माएं। बाबा आत्माओं को समझाते हैं, है ना। इसलिए जब हम मुरली सुनते हैं तो अटेंशन प्लीज, आत्म अभिमानी स्थिति में बैठकर मुरली सुननी है, क्योंकि बाबा किसके लिए मुरली चला रहे हैं? मुझ आत्मा के लिए। हर एक बात एक हद की होती, दूसरी बेहद की भी होती है, है ना। क्योंकि हद में तो इस समय का नाम रूप याद रहेगा और बेहद में याद रहेगा मैं आत्मा हूँ, मेरे बाबा से मुरली सुन रही हूँ। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है, बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं है, है ना। इससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई कितनी बड़ी है वो इससे पता चलता कि इस पढ़ाई से क्या बनेंगे। तो इस पढ़ाई से तो हम सीधा विश्व के मालिक बनते, तो इससे बड़ी तो कोई पढ़ाई होती नहीं। और कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। तो पढ़ाई भी बहुत बड़ी है और पढ़ाने वाला भी ऊँचे ते ऊँच। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है। बाबा कहते ये ऐसी स्टूडेंट लाइफ है जहाँ पढ़ना भी है और शरीर निर्वाह अर्थ कामकाज भी करना है।
कारोबार व्यापार सब कुछ करना है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई पर अटेंशन रख। ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट पे अटेंशन रख, उन्नति को भी पाना है। फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं, है ना। हद की पढ़ाई भी कई ऐसे होते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और कोई डिग्री भी के लिए भी पढ़ रहे हैं। वहाँ है हद की उन्नति, है ना। कहते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते ये कोर्स कर लेंगे तो आगे जो नौकरी में भी इजाफा मिलेगा, है ना। नौकरी करते करते कोर्स उठाते हैं, सोचते हैं नौकरी में इजाफा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी हद की नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेहद की उन्नति भी कर रहे हैं ताकि हमारा भविष्य सुधरे, है ना, बेहद की प्राप्ति हो। तो वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो, बुद्धि से समझते हो। हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है, समझते हो ना कि हद का शरीर निर्वाह कारोबार व्यवहार व्यापार तो करना है, लेकिन उसके साथ बेहद की उन्नति सच्ची कमाई। सच्ची कमाई माना अविनाशी कमाई, जो शरीर छूटेगा तो जो कमाई आत्मा के साथ जाएगी वो कमाई भी करनी है। यहाँ का तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, तो अविनाशी कमाई तो चाहिए क्योंकि शरीर निर्वाह करना है, लेकिन जो साथ जाए वो कमाई भी तो चाहिए ना, क्योंकि यहाँ का तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद के कमाई की बातें भूलती जाएंगी, है ना। जब समझ जाएंगे अब विनाश होना है, तो बाबा कहते बेहद की कमाई जैसे भरपूर होती तो हद की कमाई जैसे बाएं हाथ का खेल हो जाती। हद की कमाई में आज जैसे मनुष्य को बोझ उलझन, है ना, स्ट्रेस का अनुभव होता, वो सब खत्म हो जाएगा। सब बातें बाबा कहते सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है, विनाश नज़दीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे, और एक समय आएगा जब हद की कमाई से हट अटेंशन किस पे आ जाएगा, सारी दुनिया का अटेंशन इस बात पे आ जाएगा कि अब हमें अंतमते सोगति की तैयारी करनी है। अब आत्मा जो साथ लेकर जाएगी उसका क्या। विनाश होता है तो ज़रूर स्थापना करने वाला भी होगा, क्योंकि सृष्टि चक्र तो चलना है, तो विनाश से पहले नई कल्प की स्थापना तो होनी है। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा कहते दुनिया को तो कुछ नहीं पता, लेकिन बच्चों को भी ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा बुद्धि में बैठता है, सबकी बुद्धि नंबरवार है और नंबरवार ही धारणा होती है पढ़ाई की। हॉस्टल में वो स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु ये हॉस्टल तो न्यारी है, इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं, है ना। बाबा कहते यहाँ ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में रहने वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, यहाँ कई ऐसे ही अंदर भी रहते हैं। जो शुरू में चले आए वो रह गए हैं, ऐसा भी होता, रह गए तो रह गए, ऐसा नहीं कि कोई रहने की क्वालिफिकेशन है, पर रह गए तो रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए, ऐसे नहीं सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले भी गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है, है ना, कि मनुष्य सृष्टि में भी बाबा कहते हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी, ना। बाबा कहते आज मनुष्य सृष्टि झाड़ कैसा हो गया, जड़जड़ी भूत, न कला न काया। सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, सभ्यता वाले कौन, देवताएं। कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं
वो फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, है ना, फील करते हैं कि हमारे में न ज्ञान है न गुण है। ये बात बड़े से बड़ा आदमी भी आज फील करता है कि आज सारे मनुष्य जाति कैसे हो गई है, कि न कला है न काया है न गुण है न शक्तियाँ हैं न ज्ञान है। फिर वो किस काम के, तुम भी कुछ काम के नहीं थे, अब तुम समझते हो बाप की कमाल है, है ना। बाबा का बनने से बाबा ने हमें नॉलेजफुल, है ना, गुणवान और शक्तिशाली बनाया, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते। फिर बाबा कहते हैं, मेरा जो भी बच्चा है उसको मैं स्वर्ग तो ज़रूर ले जाऊंगा, है ना, ऐसी दुनिया में जहां धरती आसमान सब कुछ अपना होगा, कोई छीन नहीं सकता। बाबा कई बार कहते हैं ना, जैसे आज प्रजा भी कहेगी मेरा भारत और राजा भी कहेगा मेरा भारत, ऐसे सत्युग में भी चाहे दास दासी भी होंगे लेकिन वो भी मालिक कहलाएंगे, विश्व का मालिक। ज़रा भी कोई विघ्न डाल ना सके, तो सोचो बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं, क्या से हम क्या बनते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर ज़रूर चलना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं, आत्मा समझ बाप को याद करो या कर्म योगी जीवन बनाओ, दोनों सब्जेक्ट, शरीर निर्वाह भी करो लेकिन साथ साथ आत्मिक उन्नति पर भी अटेंशन दो। तो बाबा कहते हैं, मेरी श्रीमत पर तो चलना पड़े, भल दुनिया में कितनी ग्लानी हंगामे आदि होते हैं, क्योंकि बाबा जब आकर नई बात सुनाते हैं, है ना, पवित्रता की बात सुनाते हैं, तो पति तो बहुत विघ्न डालते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, है ना। कहते हैं कि भगवान के रचे यज्ञ में असुर विघ्न डालते हैं, ये बातों का वर्णन था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि भगवान यज्ञ कैसे रचते हैं, उस यज्ञ में कौन से ब्राह्मण होते हैं जो संभाल करते हैं, और फिर कौन असुर हैं जो विघ्न डालते हैं। तो बातें तो सुनते थे, अभी प्रैक्टिकल में देखते हैं। बच्चों को बताया है ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वो फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं, फिर चक्र घूम कर आएगा द्वापर युग से, फिर भक्ति मार्ग के शास्त्र बनेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी सुख धाम में जाने की बाजी है, अभी जो करेगा सो पाएगा, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन कौन समझते हैं हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं, है ना, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने अंदर ऐसे नहीं आना चाहिए कि जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे, जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अगर अभी दिल में कोई ऐसा रहता है कि जितना कर सकते थे उतना नहीं किया, पछतावा रहता है, तो फिर कल्प कल्प का हो जाएगा। इसलिए तो अभी ही इसी समय पूरा पुरुषार्थ कर भाग्य बनाना है, अपने अंदर जांच करनी है कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। ये तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे, और पढ़ने में भी चारों सब्जेक्ट, ज्ञान भी, याद भी, धारणा भी और सेवा भी, है ना। जैसे आज बाबा ने दृष्टि के लिए धारणा बताई, भाई भाई की दृष्टि, ऐसे एक एक धारणा की बात जीवन में लाएंगे, याद के सब्जेक्ट पे अटेंशन देंगे, सेवा कर दुनिया को पावन बनाएंगे, तब तो जाकर ऊंच पद पाएंगे। ये हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने, समझते हो ना, कौन कौन पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे जाएंगे, बुद्धि में तो आता है। व्यापारियों में भी ऐसे होता है कि मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं, है ना। पद पोजीशन में रेस नहीं करनी है संगम युग में, संगम युग में रेस करनी है कि जिस पढ़ाई की चार सब्जेक्ट से
वो आत्मा उन्नति कर रही है। वो पढ़ाई तो मुझे बाबा पढ़ा रहे हैं, तो मैं आत्मा भी पढ़कर होशियार बनूं। इसमें रीस करनी है। बाबा कहते हैं जैसे व्यापारी भी रीस करते हैं ना, मैं उससे ज़्यादा कमाई करूं, तो बाबा कहते हैं हमें भी कमाई करने का पूरा अवसर है। हम देखते हैं कोई कितनी सेवा की कमाई कर रहा है, कोई कितना अपने योग की कमाई कर रहा है, या ज्ञान के बल से कितना ज्ञान मंथन कर अपना मक्खन निकाल रहे हैं, तो हमें भी उससे रीस करके होशियार बनना है। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं, दुनिया में तो अल्पकाल सुख की बात है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है। इस समय तो तीन बाप हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। दोनों इकट्ठे हैं, दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, है ना। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, शिव बाबा भी, और तो कोई जानते ही नहीं, है ना, इस पढ़ाई को, इसकी सब्जेक्ट्स को, इस पढ़ाई से हम क्या बनते हैं, पढ़ाने वाले को दुनिया में तो कोई नहीं जानते, हम जानते हैं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन है, भगवान क्या पढ़ाते हैं, तो राजयोग कौन पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, पहले तो इस पर निश्चय रखना पड़े। तुम राज ऋषि हो, वो है हठ योगी। हम राज ऋषि हैं, हम राजाई के लिए पढ़ते हैं। वो भी है ऋषि परंतु हद के, वो तो हद के सन्यासी हैं, हम बेहद के सन्यासी हैं। हम घर बार वस्तु वैभव नहीं छोड़ते, लेकिन हम बुद्धि को उससे निकालते हैं, मैं मेरेपन को त्यागते हैं, और फिर सब कुछ सफल कर विश्व सेवा में भाग्य बनाते हैं। वो कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है तो ये कोई अच्छा काम किया है क्या। तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। बाबा कहते हैं कि घर बार छोड़ने की आवश्यकता क्या है। हाँ, बाबा के यज्ञ में भी घर बार छोड़ा, लेकिन क्यों छोड़ा, जब विकारों के लिए तंग किया गया, वो भी आदि में। आदि में वो पाठ था कि जिनको विकारों के लिए बहुत बंधन पड़े, मारे पड़ी, तो फिर घर बार छोड़ा। उनको क्या तंगी हुई, तुमको तो मार पड़ी तब तुम भागी हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई है तब चली गई। शुरू में कितने आए, यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। ये मालूम है ना, पहले जब माताएं बहनें आते थे तो चिट्ठी घर वालों से लिखवा कर दस्तखत करवा कर लाते थे कि हम ज्ञान अमृत पीने की छुट्टी इनको देते हैं, ये ओम राधे माना मम्मा के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ये विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है, बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, क्योंकि यहाँ तो बाबा निकल का ना विकार को खजाना समझते हैं, तो किसी का खजाना लूटे तो वो कैसे क्रोधी हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ हंगामा चलेगा जब तक पवित्र दुनिया का नियम ना आ जाए, पवित्रता की दुनिया ना आ जाए, तब तक विकारी दुनिया में तो विकार के लिए हंगामा चलेगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। प्रारब्ध भी कैसी, अविनाशी प्रारब्ध, 21 जन्म संपूर्ण पवित्रता सुख शांति की दुनिया में जाएंगे। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं, हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप जो भी देते हैं वो एक जन्म चलता है, बेहद के बाप से जो भाग्य मिलता वो 21 जन्म चलता है। 21 जन्म कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, सब कुछ आपे ही प्राप्त होगा, जैसे प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा।
वो भी सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है ना। लौकिक में भी बच्चे पर ही, बच्चे का ही हक होता है बाप के वर्षे पर। यहाँ भी जो बच्चे बनते, जो बाप पर बलिहार जाते, जो बिल्कुल आज्ञाकारी बन चलते, उनको ही वर्षा मिलता है। यहाँ बाप कहते तुम बच्ची हो या बच्चा। अच्छा, आज बाबा ये भी कह रहे हैं, दुनिया में तो पहले ये नियम था, भारत में अभी थोड़ा नियम बदला है कि पहले बच्चे को, माना मेल चाइल्ड को वर्षा मिलता था, लेकिन बाबा कहते यहाँ तो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष का, बच्चा हो या बच्ची, दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, वहाँ तो बच्चा बच्ची में भेद करते हैं, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं, स्त्री को भी हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं हैं, है ना। और ज़्यादातर तो देखेंगे कि स्त्रियों के नाम पे कुछ भी नहीं रखते, कहने को हाफ पार्टनर लेकिन उनके नाम पे कुछ भी नहीं रखते, बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है ना, दुनिया में तो ना बेटा 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 करेंगे, बेटे में मोह रहेगा। ये बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों अर्थात आत्माओं को वर्षा देते हैं, क्योंकि ये स्त्री पुरुष चोले का भान तो भ्रम है, सत्यता क्या है, हर एक शरीर में आत्मा बैठी है। तो कायदा तो यही है कि आत्मा आत्मा में भेद क्यों करना है। हाँ, आत्मा के पुरुषार्थ अनुसार वो वर्षा लेगी, लेकिन शरीर के चोले के रूप का कोई इसमें बात नहीं है। तो बाबा कहते बाबा तो कायदे अनुसार हर आत्मा बच्चे को अधिकारी समझते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा बाप के बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं हैं। बाबा कहते कितना सुख मैं तुम्हें देता हूँ, 21 जन्म बेहद का सुख देता हूँ, तो उसके लिए भी पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई को छोड़ देते, ऐसे भी बच्चे होते हैं। बच्चियाँ लिखती हैं, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है और अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। सोचो, दुनिया में कोई परवरिश लेकर रिटर्न देने के टाइम चला जाए तो कितना हृदय विदीर्ण होता है। बाबा के पास भी आते हैं, खूब परवरिश लेते हैं, और जब बाबा सोचने लगते हैं कि ये राइट हैंड बनेगा, अब तो जिम्मेवारी संभालेगा, तो चले जाते हैं, ऐसे भी निकलते हैं। बाप ने समझाया है ये सब ड्रामा है ना, बाबा तो फुल स्टॉप लगा देते हैं। कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे, है ना, अभी अभी लगेगा कि इनके जैसा तो कोई नहीं चल रहा, और कल से नज़र नहीं आएंगे। यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है, ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ें, है ना। अगर बैठे हैं तो लगता है कि हाँ इनको निश्चय है, ये तो पढ़ाई भी है, निश्चय तो है, लेकिन फिर निरंतर पढ़ाई की भी बात है, क्योंकि जैसे दुनिया में भी स्कूल में एडमिशन तो मिल गया लेकिन पढ़े ना तो फेल होकर निकल जाते हैं ना, ऐसे यहाँ भी बैठे हैं, अच्छी बात है, निश्चय है, लेकिन फिर पढ़ाई करेंगे तब तो मायाजीत बन बने रहेंगे, वरना कब निकल जाएंगे पता नहीं। गारंटी भी करते हैं, हम साथ ले जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर तुम बने रहेंगे तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सत्युग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं, सत्युग में बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब तो घर में होंगे, फिर घर से आते 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 सारे स्टेज पे आ जाते हैं जब बाबा आते हैं, है ना। तो अभी तो बहुत सारी आत्माएं यहाँ हैं, इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में परमधाम में बैठी होंगी,
उनके आने का समय द्वापर के बाद होता है। उसकी सारी तैयारी हो रही है ना, उसकी भी तैयारी हो रही है कि शरीर सारे छूटेंगे और आत्माएं घर जाएंगी। ये शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे, हिसाब किताब चुक तो कर जहाँ से आए हैं पाठ बजाने वहाँ चले जाएंगे, है ना। हिसाब किताब भी चुक तो कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आत्मा पावन बने बिगड़ नहीं जा सकती। इसलिए तो बाबा को कालों का काल महाकाल कहते हैं ना, क्योंकि इतनी सब आत्माओं का हिसाब किताब चुक्त कराकर और मुक्ति में लेकर जाना, घर लेकर जाना, ये भी बाबा बहुत बड़ा कार्य संभालते हैं। वो तो होता है 2 घंटे का नाटक, ये है बेहद का नाटक। 2 घंटे का नाटक भी पैकअप होता है तो कितना उसमें सामान पहुंचाओ, सब करो, और ये तो बेहद का नाटक है। 5,000 वर्ष से जो वृक्ष विस्तार को पाया है वो सारा समेटे, आत्माएं घर जाए, प्रकृति फिर सतो प्रधान बने, तो ये पैकअप आसान तो नहीं है। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और हैं भी एक बाप के बच्चे। अब बुद्धि में आता है ना, हम सब कौन हैं? आपस में भाई भाई, एक पिता की संतान, एक घर के रहवासी। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे। निर्वाण धाम क्यों कहते? क्योंकि वहाँ एक संकल्प का भी शोर नहीं है। वाणी से परे दुनिया, शांति धाम। वहाँ आवाज होता नहीं, मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो ना सके। आत्मा किसी में लीन हो जाए, परमात्मा में ही चाहे लीन हो जाए, तो आत्मा का अपना अस्तित्व तो विनाश हो गया ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है तो लीन हो ना सके। कितनी जीव आत्माएं हैं, अभी सब जो शरीर के साथ दिख रही कौन है? जीव आत्माएं। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। सब शरीरों में आत्माएं हैं, पाठ बजा रही हैं। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं और सबके अपने अंदर एक स्क्रिप्ट है, उसके हिसाब से, उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से पाठ बजा रहे हैं। तो बाबा कहते रहने का स्थान ब्रह्मांड वो घर है, ये स्टेज है। यहाँ हम कॉस्ट्यूम पहनकर, चोला पहनकर शरीर का पाठ बजा रहे हैं। और घर कहाँ है? ब्रह्मांड। परे ते परे वो लाल प्रकाश की दुनिया। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है, वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है, समझना माना बुद्धि में धारण करना। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आपे ही समझ जाएंगे, अगर सुनते ही रहेंगे तो, है ना। अगर अभी भी नहीं समझते तो भी पुरुषार्थ करते रहेंगे तो आगे समझ जाएंगे, और नहीं समझते तो छोड़ देंगे तो क्या ज़्यादा समझ जाएंगे? छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। कई कहते समझ में नहीं आता तो छोड़ देंगे, छोड़ देने से कैसे समझेंगे? सुनते रहेंगे तो आगे समझेंगे ना। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन ना सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा रहता है। यहाँ तो आप सोचो क्या कहेंगे, आप हमारी ज़मीन में नहीं आओ, आकाश को, पानी को, सब को जैसे बांट रखा है। वहाँ तो सारी धरती, आकाश, सब कुछ अपना होता। तो बाबा कहते इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी, है ना। अगर आज मनुष्य को कोई माने या ना माने, हर संबंध जो दुनिया में है उसका आधार स्वार्थ है। जैसे ही जिसको जो चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसी को कोई चाहिए साथ रहे,
लेकिन जैसे ही मतलब सिद्ध नहीं होता तो आत्मा का स्वर बदल जाता है। तो बाबा कहते सब मतलब के साथी हैं। वहाँ तो ऐसे नहीं होगा, जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप भी क्या कहते हैं, तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, है ना। बाप तो दाता होते हैं ना, तो देने के लिए बाबा आया है। बस बाबा कहते हैं तुम लायक बनो कि संभाल सको। तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो ज़रूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति, है ना। निश्चय हुआ तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकारी बना। बाकी जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो पद के लिए, है ना। लेकिन दिल से बाबा कहा, बाबा का बना, तो स्वर्ग में तो ज़रूर जाएंगे और घर भी जाएंगे। बाकी स्वर्ग में कहाँ आएंगे, किस पद पर आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। अब तुम कितना दूरादेशी बुद्धि हो गए हो। अब तो हम सोचते हैं ना कि हमारे एक एक कर्म का असर पूरे 21 जन्मों पर पड़ता है। अब हमारी बुद्धि तीनों लोकों, तीनों कालों को देखती है। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाएं, कम क्यों पाएं। सोचो दुनिया में कोई ऐसा कहता होगा हम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं या भगवान आकर मुझे पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि कितनी दूरादेशी हो गई है। दुनिया में जो बातें संकल्प में भी नहीं आती, तुम उनको पूरा प्रैक्टिकल में वो कार्य कर रहे हो। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाएं, कम क्यों पाएं, है ना। जब हम स्थापना कर रहे हैं तो ऊंच पद भी पाएं ना। राजधानी स्थापन होती है उसमें भी मर्तबे तो होंगे ना, दास दासियां ढेर होंगे, सुख तो वो भी बहुत पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। दास दासी तो महल के अंदर ही रहेंगे ना, सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते वही दास दासियां भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है, दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उसमें भी नंबरवार है। बाबा कहते सफाई करने वाले भी दास दासियां होंगे, भोजन बनाने वाले भी होंगे और घर में बच्चों को संभालने वाले भी होंगे। तो दास दासियों में भी नंबरवार होते, लेकिन वो रहेंगे महलों के अंदर। जो भोजन महाराजा महारानी खाएंगे वही खाएंगे, लेकिन प्रजा जो है वो बाहर रहेगी, है ना। आप विचार करना, दास दासी किस पुरुषार्थ से बनते हैं और प्रजा किस पुरुषार्थ से बनते हैं। तुम बच्चे, है ना, और राजा किस पुरुषार्थ से बनते हैं, क्योंकि बनना तो राजा है। लेकिन बाबा कहते राजा भी नहीं तो भी महल में रहने वाली, कम से कम अंदर रहने वाले, बच्चों आदि की संभाल करने वाली दास दासी भी नेक्स्ट पद पर है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास ही रहती हैं। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फूल श्रृंगार किए हुए, ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीक सभा लगती है, है ना। तो प्रिंस प्रिंसेस की सभा भी बहुत शोभनीक होती है, उसमें रानियां नहीं बैठती हैं, वो पर्दे में रहती हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं बाद में, क्योंकि बाबा के तो राजाओं की सभाएं देखी हुई हैं, किसकी, ब्रह्मा बाबा की। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जीवदान देने वाला, है ना। कौन, बाबा को कहते हो कि बाबा जीवदान देते हो, आत्मा जो जिसके प्राण जैसे सूख गए थे तो उसमें प्राण भरते हैं बाबा, प्राणेश्वर बाप। घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला है। अभी क्या है, कभी भी शरीर छूट जाता तो प्राण कैसे है, कुछ भी पता नहीं ना। तो 21 जन्म अकाल मृत्यु से बचाते हैं, इसीलिए प्राणेश्वर बाप। वहाँ मरने की चिंता नहीं होती, यहाँ कितनी चिंता रहती है।
थोड़ा कुछ होता तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर ना जाए। वहाँ डर की बात नहीं, वहाँ तो पता है पूरे 21 पीढ़ी शरीर छूटेगा आयु पूरी होने के बाद। तुम काल पर जीत पाते हो, काल पर जीत पाना माना अकाले मृत्यु से छूटना। तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई, है ना। बाप को टीचर रूप में भी याद करेंगे तो याद में काउंट होगा। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, याद भी करना है पावन भी बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प ना आए, है ना। मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, संकल्प भी पावन हो। और संकल्प पावन कब होंगे? जब दृष्टि पवित्र होगी, क्योंकि संकल्पों का आधार ये कान आँख है ना, स्मृति है। तो अगर दृष्टि भाई भाई की होगी तो संकल्प भी विकारी नहीं चलेंगे। वो तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छी छी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आँखें हैं, इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहे उसके लिए रोज़ ज्ञान घृत डालना पड़ेगा। योग है ना, आत्मा योगी बने, ज्ञानी बने, तब तो ये तीसरा नेत्र खुला रहे। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है कि अपने को भाई भाई समझो ना। बहन भाई के भान में भी विकारी बन जाते हैं, इसलिए भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बड़ी मेहनत है, सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होती है, ये पढ़ाई है। इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट ये है कि तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना है ना। बड़े इम्तिहान में एक एक मार्क्स का ध्यान रखा जाता है, और वृत्ति दृष्टि तो पूरी पूरी सब्जेक्ट है, तो हर बात पर अटेंशन देना पड़े। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो, तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर बिन बन पड़ते हैं, ट्रेटर बन पड़ते हैं ना। चलन में दिख क्या होगा, विकार होंगे, लेकिन दिखाएंगे जैसे बहुत अच्छे पवित्र ब्राह्मण है ना। तो रहेंगे ब्राह्मणों के बीच लेकिन काम करेंगे असुरों का। यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं, डिवोर्स भी देते हैं। अब फारकती और डिवोर्स क्या है? फारकती बच्चे और बाप की होती है, और डिवोर्स स्त्री और पति का होता है। तो बाप कहते हैं हमको तो दोनों मिलते हैं। बाप रूप से फारकती दे देते और साजन रूप से डिवोर्स दे देते। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डिवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती हैं। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है। गायन है गज को ग्रह ने खाया, है ना। कितना बड़ा हाथी और मगरमच्छ ने खा लिया, है ना। तो सोचो, देखने में आता है कैसे हो सकता, लेकिन छोटा सा विकार, इतनी तपस्या को, इतना बाबा के साथ जो निश्चय था, सब कुछ को डुबो देता है और आत्मा ट्रेटर बन जाते हैं। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं। बेअदबी क्या है? बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करना, यह है बेअदबी। बाबा जो इतनी हम पर मेहनत करते हैं, अगर हम बाबा की श्रीमत पर ना चले तो ये बेअदबी है। इसी के कारण माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए और कितना सुनाओ। मुख्य बात है अल्फ। अल्फ माना अल्लाह, बाबा। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अल्फ को याद करो, ये वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं है।
सुबह की वेला बाबा को याद करने की है, सोने की नहीं, बेअदबी नहीं करनी है ना। बाबा हमारे इंतज़ार में बैठे और हम सोए पड़े रहें, ये बेअदबी है। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं, है ना। और बच्चे देखो फारकती दे रहे हैं तो डिवोर्स दे रहे हैं, आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने, याद की यात्रा से ही तुम सतोप्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाबा कहते हैं यहाँ याद करेंगे और वहाँ सतयुग के भंडार भर रहे हैं, और जैसे ही यहाँ से जाएंगे तो प्रारब्ध भोगना शुरू कर देंगे। बाप कहते हैं अपना चौपड़ा देखो, चार्ट देखो कि कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। याद का भी चार्ट देखो और सेवा का भी। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, है ना। घाटा देखते हैं तो अगले दिन अटेंशन देते हैं। हमें भी रोज़ अपना चार्ट चेक करना है, चेक के साथ चेंज भी करना है। अगर आज देखते हैं याद की कमाई नहीं है, कुछ सेवा नहीं है, तो कल ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए, घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्की लदे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, बुद्धि में विकारी संकल्प बिनाए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ ये अभ्यास करना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है, कभी भी फारकती या डिवोर्स नहीं देना। वरदान है सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वो और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन भी है, वर्षा भी है और वरदान भी है ना। तो मिलन की भी अलग खुशी है, 5,000 वर्ष बाद बाबा से मिले, वर्षे की खुशी अलग है क्योंकि बाबा हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध दे रहे हैं, और वरदान है कि बाबा तो खाली आत्मा की झोली भर रहे हैं। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसीलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी, क्योंकि हमारा योग किससे है, झोली भरने वाले से, प्रारब्ध बनाने वाले से। तो ऐसे से योग रखना तो मुश्किल नहीं है ना। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते हैं, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ, इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए, है ना। जब हल्के होंगे तो याद की दौड़ी लगाएंगे, हल्के होंगे तो बाबा का सेवा संभालेंगे और इतनी कमाई करेंगे कि साथ साथ फिर जाएंगे। बाप के स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन, बाप की नज़रों में समा जाना। स्लोगन है नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम नेगेटिव अपने लिए तो नहीं सोच रहे, दूसरे के लिए या किसी परिस्थिति के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो जो संकल्प है वो उसका जन्म कहाँ हो रहा है, अपने मन की भूमि पर। तो जहाँ अपने मन की पृष्ठभूमि पर जब नेगेटिव संकल्पों की खेती होती है तो उससे जो दुर्भाग्य का जन्म होता है वो दुर्भाग्य भी अपना ही बनता है, क्योंकि संकल्पों की रचना हम कर रहे हैं तो संकल्प से जो सृष्टि बनेगी वो भी हमारी खुद की बनेगी। इसीलिए अगर हमें सफलता पानी है, अपने भाग्य के सितारे को चमकाना है, तो हमें नेगेटिव संकल्पों का, चाहे वो किसी रिएक्शन में ही क्यों ना आते हो, लेकिन उन नेगेटिव संकल्पों का दरवाज़ा बंद करना होगा।
अच्छा, ओम शांति।